जाने ने कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर जितना कुछ खा रही है, और यहाँ पर छोटी वाली बहन अचार खा रही है, और यहाँ पर भाई ही है लेटा हुआ है। और अगर मौसम की बात करूँ तो गजब का मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, फिर छत पर जाकर दिखाऊंगी। और यहाँ पर काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही है। मम्मी ने टीन वगैरह नहीं डलवाई है क्योंकि मम्मी कह रही है थोड़ा ठंडापन मिले, जो गर्मी है रूम मतलब घर की वो भी निकल जाए। और तो मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी जो गलियाँ हैं वो सारी आप लोगों को गलियाँ गीली हुई गीली दिखेंगी इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए गलियों में जो पानी वानी होता है वो सारा काम हो रहा है। बड़ी बड़ी सिटियों में क्या होता है, अंडरग्राउंड नालियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ नहीं है अभी, तो जिसके कारण से वैसे तो डेली साफ़ होती रहती है बट फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और दीयू छत पर नहा रही है, मतलब पापा छत पर है, दीयू भी छत पर है, तो वो भी नहा रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर बारिश आ रही है फोन पर। और मैं अभी जस्ट वीडियो देख रही थी संभावना देवी की, मतलब मुझे उनकी वीडियो लाइनिस्ट की वीडियो कुछ अच्छी लगती है, बट अगर हम उस तरह की वीडियो नंगी मंगी मैं आपको दिखाने आई थी, बट आप तो बिल्कुल नंगी हो, सेम नहीं दिखाऊंगी अभी, नंगी है दी बिल्कुल, कपड़े भी नहीं पहने, पैंटी पहन के नहाती ना और क्या, दूसरी पहन लेती फिर नीचे जाकर। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा, बारिश हो रही है, पर मैं छत पर दिखा नहीं सकती क्योंकि पता है यहाँ फोन गीला हो जाएगा अभी, इसलिए काफी तेज बारिश हो रही है। आपको दिखाती हूँ, फोन गीला हो जाएगा मेरा, देखिए इधर से, ये देखिए पूरा छत पे गीली हो रही है इधर उधर। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना मौसम इस तरीके से। डी यू पैंटी पहन के ना लेते। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने आई हूँ। जी हाँ, आप लोग कई दिनों से मेरे से पूछ रहे थे कि दी आप हमें ये बात बता दीजिए कि हम आप घर पर घी निकालती हो, यदि घर पर घी नहीं निकल पाता है तो आप कौन सा घी इस्तेमाल करती हो, यानी कि आप कौन सा घी का यूज़ करती हो अगर मार्केट से आपको लेना है। तो मैं बता दूं कि मैं खुद से नहीं बाय करती हूँ क्योंकि मैं मुझे जानकारी नहीं है, तो मेरी मम्मी है वो बाय करती हैं, वो ही घी अगर मुझे कम पड़ जाता है तो वो भेज देती हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, ये घी है गाय का, और गाय का घी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर ये कुछ इस तरह की टीन की पैकेजिंग में आता है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, और ये इस तरह से पैकेजिंग में आता है। यहाँ पर लिखा होता है धनेश्वर काउज घी इंडियन ब्रीड पावर्ड बाई बिलोना, यहाँ पर सब कुछ लिखा है। और मैं आपको गाय के घी के फ़ायदे बताऊँ तो गाय का घी डायबिटीज़ कब्ज में भी फ़ायदा करता है। गाय का घी यदि आप नाक में डालते हैं तो आप अगर कोमा में जा रहे हैं तो आपकी चेतना वापस लौट कर आती है, पागलपन दूर होता है गाय के घी से। और यहाँ पर इसकी फैट कैलोरीज सारी चीज़ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। और यह धनेश्वर प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिलता है ये सारी चीज़ भी यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर अगर आप गाय का घी यदि आप नाक में दो बूंद डालती हैं तो आपकी जो याददाश्त है और वो तेज़ होती है, और आपकी जो माइंड है आपका काफ़ी अच्छा डेवलप होता है। साथ ही साथ गाय का घी आपके ज़्यादा दिनों तक जवानी रखता है, बुढ़ापे में देर में लौटने देता है यदि आप गाय का घी यूज़ करते हैं तो। गाय का घी आपके पुरानी गुणों में आता है, खट्टा तीखा, और आपकी याददाश्त तेज करता है, आपकी आँखों की रोशनी को वापस लेके आता है, आपके मूर्छा ज्वर श्वास खांसी की प्रॉब्लम में ख़त्म करता है, आपके सूजन रक्तस्राव सर्दी में बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा करता है, हिचकी अगर आपको हिचकी नहीं रुक रही है तो उसमें फ़ायदा करता है, ऑपरेशन कान का पर्दा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खांसी ज़्यादा परेशान कर रही है तो गाय का घी छाती पर लगा दें तो आपको ये ख़त्म कर देता है। स्त्रियों के प्रदर रोग की समस्या को ख़त्म करता है। काला चना व पिसी चीनी तीनों का समान मात्रा में मिलाकर लड्डू बनाकर खाली पेट खाने में ये बहुत फ़ायदा करता है। आयुर्वेदिक मान्यता है एक गिलास दूध में एक चम्मच गाय का घी मिश्री मिलाकर पीने से शारीरिक और मानसिक व दिमागी कमजोरी दूर होती है, साथ ही साथ जवानी बहुत दिनों तक रहती है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है, आप मंगा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रेग्नेंट महिला घी का सेवन करती हैं तो शिशु बलवान पुष्ट और बुद्धिमान होता है और ये बहुत सारे कैंसर में भी फ़ायदा करता है, तो ज़रूर मंगाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत फ़ायदे होते हैं, पागलपन दूर करता है, याददाश्त अगर हमारी बहुत कम हो रही है तो दूर करता है। मैं यहाँ पर पिक्चर्स लगाती जाऊँगी, इनको पुश करके आप देख सकते हैं कि देसी घी गाय का किस किस चीज़ में फ़ायदा करता है। अगर किसी को कोमा में जा रहा है तो देसी घी कैसे यूज़ करें, देसी घी गाय का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसके जो होते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट होते हैं, तो आप इनको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए बाय करिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। अभी अमेज़ॉन पे इसको मिल भी रहा है, तो अभी अगर आप लोग के घर में अवेलेबल नहीं है तो ट्रस्ट मी गाइस, ये प्रोडक्ट बहुत पुराना है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है और शुद्ध घी है, तो आप इसे ले सकते हैं। गाय का घी हमारे लंबाई बढ़ाने में, हमारे मोटा करने में, हमें स्फूर्ति लाने में, प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए, प्रेगनेंसी में हमारी ताकत के लिए और हमें नींद नहीं आती, अनेक सारे अगर मैं इस वीडियो में एक एक करके भी बोलने बैठ गई तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप इसको बाय करिए, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। देखो गाइस, दिया ने पैंटी पहन ली है यहाँ पर, मतलब मेरे पापा ने पहनाई है और ये नहा रही थी, देखिए नहा रही है, पूरी गीली हो रही है, डांस कर रही है। देखो मम्मी पीछे से दिखाओ, पीछे से हाँ। देखो आए करो पहले, वेलकम ऐसे करके ये नहा रही है, गीली हो गई, यहाँ पानी तो इतनी जोर से पड़ नहीं रहा है, भींगेंगे भी नहीं। देखो जी, देखो गंदे पानी से हाथ धो रही है, दियो गंदा पानी मत डाल बेटा अपने ऊपर। हम जब छोटे थे ना तो छत पे इधर नाली है और उसमें है ना, हम लोग क्या करते थे, कपड़े या पन्नी डाल लेते थे, दोनों नालियां बंद कर देते और छत पे पानी भर लेते थे, फिर हम लोग उसमें लेट लेट के नहाया करते थे, है ना उज्जल। तूने नहीं नहाई, मैं दिशा बहुत ना, और हाँ यहाँ छत का पानी पाता था उससे नहाते थे, बहुत यार वो दिन बहुत याद आते हैं, इस तरीके से हम लोग करते थे। पहन रहा हूँ ना नीचे, दूसरी पहन लेना, और यहाँ पर छोटी वाली बहन आ गई है और अभी हम चलते हैं नीचे, और पापा हैं ऊपर और दियो है, मतलब नाना और धीपती बोलते हैं शायद हम लोगों के, हम वो एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर दिशा पंचायत कर रही है और मम्मी खाना बना रही है। मम्मी ने बनाई है आज आलू की सब्जी, पराठे, और मम्मी क्या का रायता था, पुदीना वाला रायता था। वाटर प्रूफ है तुम्हारा? मैंने भी मतलब मेरे भी बाल उलझ गए, मुझे हेयर वॉश करना है इस तरीके से। और यहाँ पर भाई है जो गोरा नहाया नहीं है 5-6 दिन से, आया हूँ आज, नहाया था तू, मजाक कर चिराने मजा आता है। और बस यहाँ पर यही काम चल रहा है और हम लोग बस मस्ती कर रहे थे, और हाँ इंटरनेशनली कॉल है, पता देखिए कितना अजीब सा नंबर आ रहा है, नहीं उठा रही मैं, दो बार आ गई, देखो थोड़ी देर पहले आई थी तो ये कुछ अलग से नंबर था, इसका ऐसे करके कुछ अलग नंबर था, और अभी आई है कुछ अलग नंबर है, और ये है ना चेन्नई टी एन, चेन्नई इंडी कॉल वाली कॉल तो नहीं, चेन्नई टी एन करके इस पर ना कॉल ट्रैक हो रही है इसकी, और ये जो नंबर है ना मतलब कि अजीब सा ही नंबर है, मतलब कुछ अजीब सा ही नंबर है, दो बार कॉल आ चुकी है मॉर्निंग से मेरे पास अब तक, और दोनों नंबर अलग अलग है, लेकिन ट्रैक वो सीबीआई ने बोली है कि ऐसे नंबर आए ना बाहर से इंटरनेशनल तो उनको उठाना नहीं है, ट्रैक अलग, मतलब ट्रैक वही जगह है, सेम लोकेशन ट्रैक वही है, और लेकिन बस फर्क इतना है कि नंबरों के पीछे नंबर चेंज है, पहले आई थी वो था 330, अब आ रही है 447 इस तरीके से, तो ऐसा है।
और दोपहर में पता नहीं किसकी कॉल आ रही थी, मैंने उठाई नहीं है, मैं देखूंगी। पता है एक तो मेरे पास सेव होते हैं नंबर, मैं उन्हीं पर कॉल करती हूँ। एक्चुअली में मैं कंपनी वालों को भी जो कोलैबोरेशन आईडीज होती हैं उनको भी नंबर देती हूँ ना, तो फिर मैं ना देखती नहीं हूँ उनका मेल आता है या वो नंबर देते हैं तभी बात करती हूँ, क्योंकि काफी जगह नंबर चला जाता है ना तो प्रॉब्लम होती है। और मैं अपना पर्सनल नंबर तो खैर किसी को देती ही नहीं हूँ, बहुत ही कम लोगों के पास मेरा नंबर होगा पर्सनल। देखिए अपनी सेफ्टी अपने पास होती है, बेशक मैं आपसे कितना भी प्यार करती हूँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी सेफ्टी अपने पास तो होनी ही चाहिए। और साथ ही साथ जो सामने है ना, मैंने आपको आज हल्दी की रस्म दिखाई कैसी लगी, गांव में इसी तरह से होती है और बहुत अच्छी तरह से और अपनापन होता है, काफी लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है तो यही कारण से ना काफी भीड़ नहीं हो पाई है। लॉकडाउन खुला होता तो काफी इंजॉय भी करते हैं। और कल मम्मी कौन सी रस्म होगी फिर, आज हल्दी की थी कल कौन सी रस्म होगी, कल ताई थे रात में, लेकिन कल ताई थी तो मैंने आज तो वो में कुआ पूजेगा, रात में भी तो कुआ पूजेगा, क्या होता है वो, हाँ घूरा पूजेगा, हाँ आज रात में मतलब घूरा पूजेगा। और मैंने कल की मैंने वीडियो इसलिए शूट नहीं की थी, कल रात में जो ताई होता है तो वो रात में हुआ था, तो रात में वो गाने वगैरह होते हैं और ताई ताई के रसम में गाने होते हैं ना, वो गालियों वाले गाने होते हैं मम्मी, गालियों वाले गाने होते हैं ना ताई में, कल मैं ताई सुन के आई थी उसमें काफी गालियां, ऐसे नहीं होते गंदे गंदे गालियां देते लड़के लड़के वाला, लड़कों को लड़कों की जो दूल्हा होता है उसकी सास को, उसकी बहन को, उसकी भाभी को, और सबको देते हैं ना। और एक बात होता है ये बड़े बूढ़े हैं तब तक तो सॉन्ग्स वगैरह उन लोगों को पता है, जो हमारी जनरेशन तब रिकॉर्ड करके रख लेना आप, बरना बरनी जच्चा बरना बरना या बरना जो भी है, और क्या है सब वो मतलब जच्चा बच्चा हुए थे, मैया के हुए थे, फिर हुए थे ताई, और ताई के गानों में गालियां दी जाती हैं, यानी दूल्हे की मम्मी को, दूल्हे के पापा को, दूल्हे के भाई को, दूल्हे की भाभी को, आस पड़ोस को, सबको दी जाती हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी गालियां दी गई थी और सुपर से सुपर बहुत गंदे। एक बार मैं ये सोचती हूँ आज की जनरेशन को तो ये गाने आते नहीं है, जो बड़े बूढ़े हैं उनको तो आते हैं, तो वो लोग इसको कॉपरेट कर लेते हैं, मतलब तो हमारे जनरेशन में ये सारी रस्में बहुत ही कम हो जाएंगी, और होंगी भी ना तो क्या होगा, इंटरनेट पर गाने सर्च किए जाएंगे और बूफर में लगा दिए जाएंगे, वही सगुन के दस्तूर हो जाएगा, इस तरीके से हुआ करेंगे। और अभी चाय पियेंगे दिशा के, तेरे में तो बड़े बूढ़े रहेंगे ना, हम लोगों तो बिल्कुल नहीं आते ना, हम लोगों तो बिल्कुल नहीं आते, मतलब बिल्कुल भी नहीं आते। और मेरी शादी में भी ताई नहीं हुई थी ना इतनी, पर हुई नहीं थी ना, मेरे में गाली वगैरह कहाँ दी थी, नानी वगैरह आई थी लेट आ गई थी, एक दो सगुन हाँ एक दो सगुन के गाने गा रही थे, लेकिन अपनी दिशा की शादी में ऐसे नहीं करेंगे, दिशा की शादी में मम्मी अच्छी तरीके से बूफर ऊपर लगा लो, ऊपर डांस करेंगे, जो डीजे वगैरह में यूज किए जाते वो, तो जो बूफर था तो काफी बड़ा था, इसके कारण से मुझे सेट करना नहीं आ रहा था, फिर उसके चाचा आए थे वो सेट करके गए थे, उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा ही मानती है, बहुत प्यार करती है उसकी फैमिली। अभी भी मैं गई थी कुछ दिन पहले तो भी है ना, लैपटॉप वगैरह के मैं डिस्कशन किया था कि चाचा लैपटॉप की जरूरत है, कौन सा लें, फिर चाचा ने बताया। तो चलिए मैं मिलती हूँ चाय के टाइम में, चाय पीती हूँ सब, यहाँ पर हो रही है घूरा पूजन, यानी लड़के वालों को जो कूड़ा होता है यहाँ पर गली की साइड में जो निकाल देते हैं वहाँ के घूरा पूजन हो रहा है। यहाँ पर ये लड़का बैठा हुआ है, इसकी आंखें बांध दी जाती है, साथ ही साथ बीजना यानी पंखे को उसके सर पर लगाया जाता है, हमारे बीजना बोला जाता है पंखे को, तो वो लगाया जाता है सर पर, और इसके बाद इसकी आंखें एकदम क्लोज कर दी जाती हैं, बिल्कुल भी इसको दिखाई नहीं देना होता है, कुछ इस तरह से रस्म होती है। आप लोग भी बताइएगा आपके यहाँ कूड़े वाली जो घूरा रस्म होती है आपके यहाँ होती है या नहीं होती है, ज़रूर बताइएगा, सिटी में मुझे जानकारी नहीं है बट गाँव में होती है,
सारी रस्में बहुत अच्छी तरह निभाई जाती हैं गाँव में। और यहाँ पर देखिए इसकी बुआ बैठी हैं, इसकी ताई और भाभी जो आप गाना सुन रहे थे वो भाभी गाना गा रही थी। और कल एक कमेंट आया था कि भाभी को भैया को सारा मतलब भाभी को सारा पैसा दे देंगे, भैया को कुछ करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि आप लोगों में इतना दिमाग आता कहाँ से है। उनकी फैमिली आपसे ज़्यादा बेटर वो जानते हैं, वो कैसे चला रहे हैं उनका उनका पर्सनल मैटर है। प्लीज़ किसी को ऐसे कमेंट मत किया करो। तो आगे की रस्म मैं कल दिखाऊंगी, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है।